प्रॉपर तरीके जमाने का ये बनाऊ मैं। ये देखे नाजरीन बिल्कुल फ्रेश स्टोपा। अब स्टोपा के अंदर भी जाएंगे। हाँ जी नाजरीन, अब आप लोगों को विजिट कराएंगे। दिन था सो पैदश थे खुदा से। स्टोपा आप लोगों को नजर आ रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं गुलकादर शाह ऑफिशियल। आज मैं आया हूँ बालू कले गुंबद, जो कि एक तारीखी जगह है सवात में। बरीकोट से तकरीबन 3 घंटे का डिस्टेंस है। तो हम अभी निकले हैं गुलूबट की तरफ। गुलूबट जाएंगे, वहाँ एक स्टोपा है, वो स्टोपा आप लोगों को दिखाएंगे, और वहाँ से जो व्यू आता है इस पहाड़ों का वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो एंजॉय करें, आइए हमारे साथ। नाजरीन, जो मैं स्टोपा की बात कर रहा था ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये स्टोपा है। ये भी दूर है, ये सड़क जाती है ये वाली, इसके ऊपर आप जाएंगे और ऊपर से घूम के उस स्टोपा पे पहुंचेंगे। तो वहाँ जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि स्टोपा के साथ कुछ पुराने कंडरात भी है, पुराने जो लोग रहते थे उनके घर वगैरह भी है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और उधर से जो ये पहाड़ों का ये व्यू आता है ये आप लोग साथ शेयर करते हैं। चलो जी, ये देखिए नाजरीन व्यू। ये जो ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये है आड़ू और खुबानी और आलू बुखारी, इनकी बगात है। हम रास्ते में हमने बहुत सारी देखे, वो ऑल द वे जो रोड आपको नज़र आ रहा है वो उधर से ये हम हो गए हैं। ये सारे बगात हैं आड़ू की और साथ में खुबानी और आलूचे अली बुखार, वो है सारे बगात। और ये स्टोपा है। ओके, अभी हमने बाइक इधर खड़ी की है, पैदल थोड़ा रास्ता है पहाड़ में, वो जो नज़र आ रहा है ये स्टोपा है। इसकी तरफ चलते हैं, उधर कुछ लोग फिर कुछ फैमिलीज वगैरह भी आई है, देखते हैं कि उधर क्या क्या है, तो वो फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी नाजरीन, अभी हम कुछ पैदल रास्ता है, बाइक शायक हमने कड़ी की है, तो अभी पैदल वो स्टोपा की तरफ चलते हैं। अभी क्योंकि आज धूप है, दो कल तकरीबन ईद वाली दिन बारिश हुई थी, तो अभी धूप इतनी नहीं लग रही, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं तो है। लेकिन एनीवे हम चलते हैं उधर स्टोपा की तरफ और आप लोगों के साथ कुछ फुटेज वगैरह शेयर करते हैं। ये और लोग भी आए हैं। आज़े खाने मुंह बताम रागलियों मख के ओ अगर तुम स्पाशे हो रहा मैं नवाख तरह रागलियों मुंगा मैं नवाख तरह रागलियों वाह ब्रा तरह रागले वाह पीजे नहीं वाह वाह ब्रा तरह रागले हाँ अगर मुंगा रागलियों को तेरे शेव के रागे ना मख के अख्तर हो بیا نو وخت شی باران وکړه راغله جلاړو مونږ سفر تیر شی راغله مونږ هم نو وخت راغله اځه راغ راغله دې شی دې ته خورا ټول یې مو ته کوي نه مړه ته راغله شی دې اځه خره دا نه نه زیبه خلا خلا دې مونږ وخت ګړې پر دې نه فهم مو درو خبرې ها نغا ये देखिए नाजरीन, बिल्कुल फ्रेश वाटर, ये कुदरती वाटर है, क्या कहते हैं, चश्मों से आते हैं
और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश। मैं पीता हूँ इसे अभी। हाय हाय माशाल्लाह। ये देखें नाजरीन, ये स्वाद से थोड़ा साइड पे है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इन्होंने टिलनार का है, शायद टिलनार का ये टावर लगाया हुआ है। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखें नाजरीन, ये है स्टोपा। अब स्टोपा के अंदर भी जाएंगे, इसके अंदर है जाने की मतलब जगह है, बंदर जा सकते हैं। और ये है पुराने तकरीबन 18वीं सदी में जब हिंदूज लोग ये लोग इधर रहते थे तो इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। तो ये है उस ज़माने की पहाड़ों के अंदर जो घर बने हुए थे, ये वो घर है। ये साथ में ये टेम्पल्स टाइप स्टोपा बनाया हुआ है और पहाड़ों के ऊपर। ये देखिए, ये कुछ लोग आए हैं पिकनिक शिकनिक करने के लिए, इधर कुछ मामला तय करेंगे, खाना शाना बनाएंगे। ये कोई पुरानी आबादी है शायद। ये देखिए, कोई टेक्नोलॉजी के बगैर उन्होंने इतनी अलाइनमेंट के साथ ये स्टोपा बनाया है तकरीबन 100-150 साल पहले हिंदूज लोगों ने। ये देखिए कितने अलाइनमेंट के साथ ये है। आजकल की मजदूर तो ये नहीं कर सकते, इतना बारीकी काम है। छोटे छोटे पत्थर, कोई सीमेंट नहीं इसके अंदर, कोई मिट्टी शिट्टी नहीं, थ्रो आउट ये पत्थर है। वो पत्थर कोई अलाइनमेंट के साथ काटे हैं, बिल्कुल स्मूथ लगे ये। और अभी तकरीबन बहुत साल हो गए फिर भी ये उस तरह बिल्कुल सही है, इतने ख़राब नहीं हुए। ये देखिए नाजरीन, ताज़ा बारिश। ये देखिए नाजरीन, जगह जगह खास वही मन है। नाजरीन, ये जो सीजन है अभी आजकल गंदम का है, गंदम लोगों ने काटे हुए हैं अभी रखे हुए हैं। 5-6 दिन ये जब प्रॉपर सूख जाए तब ये इसको थ्रेशर से करेंगे। और ये है जनाब स्टोपा की बैक साइड, ये आप देख सकते हैं कितने को प्रॉपर तरीके से बने का ये बना हुआ है। जब ना प्रॉपर कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई ऐसे औजार कह सकते हैं जो टूल्स वगैरह होते हैं, आजकल जो एडवांस टूल्स है वो उस ज़माने में नहीं थी, और ये उस ज़माने में बना था। तो ये काइंड ऑफ क्रेडिट है उन लोगों के जिन्होंने बनाया प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, हर चीज़ बिल्कुल सही लगी हुई है। आजकल अगर मैं कहता हूँ, आजकल के जो जितने भी मजदूर वगैरह लोग हैं ये बनाने बैठ जाएं तो इनको बड़े साले लगेंगे और फिर भी इसी तरह प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। ये थ्रू आउट इसमें कोई मिट्टी शिट्टी या कोई सीमेंट वगैरह नहीं यूज़ किया, ये थ्रू आउट सारे जो है वो पत्थर है, और पत्थर को इस तरह थराशा है, इस तरह काटा है कि वो एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल वो चिपक गए। तो ये प्रॉपर है, अभी ये ख़राब हुई हैं। ये जो स्टोपा है, स्टोपा की बिल्कुल ये साइड पे लेफ्ट वाले साइड पे, ये पता नहीं ये कुछ तरह कुछ पुराने कंडरा टाइप बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं नाजरे। हाँ
हाँ जी नाजरीन, अब आप लोगों को विज़िट कराएंगे टेंपल के अंदर, स्टोपा जो अंदर है, अंदर क्या चीज़ें हैं, कुछ है नहीं है सच, लेकिन चलो आइए चलते हैं। हाँ संगा, ये इंटीरियर है और ये उसका टेंपल का। वाह, इसमें कोई वो भी लगे हैं, लकड़ी भी लगाए हैं ऊपर। और ये देखें नाजरीन कितनी पुरानी ये बादी बनाई हुई है टेंपल के अंदर वाला साइड है ये। हाँ खिड़की भी है इसमें, हाँ छोटी सी। वाह बैल वाला हूँ मुंगेरा, बस लग गया यू ना। हाँ हाँ हाँ, ये साइड का रास्ता भी है। हाय 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 माशाल्लाह, ये छोटी सी खिड़की भी है। आई थिंक खिड़की है या मोर्चा टाइप बना हुआ है कि इसमें आप बंदूक संदूक रख के लड़ाई की वक्त पे ना ये काम आ सकती है। इसी गोली तो निकलती नहीं है इतनी, तकरीबन 3 फीट का तो ये होगा, बहुत बड़ा है ये। 1 2 3 4 का है। तो ये देखिए बाई साइड पे लोगों ने गंदम शंदम काटे हुए हैं, पता नहीं आवाज़ मेरी कैसी आ रही है, इको टाइप बन रहा है। और हो ये स्टोपा का आउटसाइडर, वाओ अमेजिंग। ये दूसरी, ये बिल्कुल बैक वाली साइड पे, ये थोड़ी सी केल की टाइप है। वाओ हाँ, इंटीरियर में भी ये भी है। यलगा यल कोई मेरा कहना नू, माशाल्लाह। हमारे ओ दक्षिण में पुखाने दे तकरीबन 1800 साल पुराना है। 2011 की दुनिया का शशा है। 1800 साल पुराना। हाँ और दा दलत दाखल कोल नराजी मार के खुबूई खलक रात लगा खलक वो सुम रजी। हाँ रोज़ा रोज़े की जो तो रसोक नहीं करी। हाँ बस अस्तर दिल के दार नौ गया जो कसंग के ताश में से बिजनो रूम रजी। ज्यादा ज्यादा कर खलक पाम और तो जुमी त्वार पर जो डेरा गाने। हाँ ज्यादा जुमी पर जो डेरा गाने। सही सही और दी नमक की चीजें वो दी दा नुम चीदे दा लग बलो कले गुंबद बले कुल बलो कले गुंबद कले गुंबद सही। हाँ बलो कले गुंबद और दा टोपा वो दा चालक बुद्धवान दी का बुद्धमत वाला बुद्धमत वाला बुद्धमत वाले। सही सही और सा सुदा कले दे राम दे कचा फुल पावर। सही सही दी नता सा पैदाशते पैदा खुदा दा छे डिप्टी जसन होगा। हां तन खातिर आके हुकूमत दी हुकूमत तन खादर कई हुकूमत तन खारा के। हां हां खर्चे मर्चे ओकड़े नाजरीन। बलू कले बरीकोट से तकरीबन कुछ हमें तकरीबन 40 मिनट्स लगे बाइक पे। रोड थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन फिर सही है। ये जो स्टोपा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये
ये तकरीबन 1800 के करीब ये बनी है। यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग आते थे विजिटिंग के लिए प्रॉपर, लेकिन बदकिस्मती हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सीन ये है कि कोई करीब दुकान भी नहीं है, कोई करीब कोई लाइक फैसिलिटीज़ नहीं है। द वन थिंग इज कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। मैंने अभी गांव वाले लोगों से पूछा कि वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स है वो भी आते थे हैं एज अ, क्योंकि तारीखी जगह है और एक मेमोरी है, जो लोग पहले गुजर चुके हैं उन्होंने ये बनाया, लोग आते थे विजिटिंग करने के लिए, सैर सपाटे के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, और दूसरी बात ये है कि कोई साइड पे है लाइक पहाड़ के साइड पे, इतना को इतने एडवांस नहीं है जगह ये, तो इस वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते। एनीवे मैंने सोचा क्योंकि मेरे गांव से अभी मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे, तो गांव स्वात में ये भी एक विजिटिंग पॉइंट है, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि स्वात में जितनी तारीखी जगह है या कोई विजिटिंग जगह है, खूबसूरत जितनी भी जगह है प्लेसेस है, वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ शॉट्स वगैरह दिखाऊं, वहाँ विज़िट करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि ये हमारा स्वाद जो है ऐसे इसको स्विट्ज़रलैंड या पाकिस्तान नहीं कहते, ये बेसिकली एशिया में ये कहा जाता है कि एशिया में सबसे खूबसूरत जो है लाइक ग्रीनरी के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, यहाँ पर सारा साल मेन स्वाद सिटी में नहीं लेकिन पहाड़ों में थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर बर्फ़ होती है। मलम जब्बा कलाम और ये मोहडन बड़े बड़े जो विजिटिंग प्लेस है वहाँ पर ये बर्फ़ होती है, लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो ये मेरे इलाके में ये एक तारीखी जगह थी, तो मैंने आप लोगों को विज़िट कराया, तो आप लोग मेरे वीडियो इंजॉय करें। कोई सजेशन वगैरह, मैं नॉर्मली हर वीडियो में ये बात कह देता रहता हूँ कि अगर कोई सजेशंस, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग कहना चाहते हैं कि यार मैं उस जगह पे विज़िट करूं, तो इंशाल्लाह मैं विज़िट करूंगा, वो जगह भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये इस टोपास के अलावा एक ये स्टोपा है, एक दूसरी गांव है बरीकोट की उस साइड पे, उधर भी एक स्टोपा है, एक गुम्बतनो एक नाम है, वो भी स्वात में स्टोपा है, जो पुराने लोग रहते थे वो लाइक उन्होंने अपनी जो निशानी है वो छोड़ के चले गए, तो वो मैं इंशाल्लाह जिस तरह मेरा प्लान बनता है उस हिसाब से आप लोगों के साथ वो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें इसी तरह प्यार देते रहिएगा। अल्लाह thank you.